उदयपुर शहर के पास मदार गांव में एक पैंथर ने खेत में काम कर रही दो महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में दोनों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बड़ी खबर है, दोनों घायल महिलाओं को उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल गांव के बड़ा मदार तालाब के पास में एक खेत में दो महिलाएं सोयाबीन की फसल काट रही थीं। इस दौरान झाड़ियों में छिप कर बैठे पैंथर ने अचानक उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों में खौफ है। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। खेत में काम कर रही दो महिलाओं पर हमला कर दिया इसने। दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर में पैंथर के अटैक के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। गणेश पिता, हमारे पिताजी नाम सुनीलाल जी, बाकी मेरे मम्मी केशी भाई, बाकी मतलब तला रहे पहले बड़े काटने के लिए सोयाबीन भाई राजा, सोयाबीन हमारे मम्मी ने ये भाई ने बड़ा बड़ी काट रहा, मतलब 25 फीट दूरी से। अविनाश जगनावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अविनाश, हमले में दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई हैं, पैंथर ने कैसे, कब और कहां किया अटैक, क्या है पूरी जानकारी बताएं। देखिए, उदयपुर शहर से कुछ ही दूरी पर मदार गांव है, जहां पर बड़ा मदार तालाब के पास में जो खेत है वहां पर ये महिलाएं अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सोयाबीन के खेत में कटाई कर रही थी। इस दौरान घात लगाकर पैंथर ने दोनों महिलाओं के ऊपर हमला कर दिया। इसमें महिलाओं का जो बेटा था वो उससे करीब 25 से 30 फीट दूरी पर, वो भी खेत में ही काम कर रहा था। शोर मचाने पर वो लक्ष्य लेकर पैंथर की तरफ लपका, ऐसे में पैंथर वहां से भाग गया। अगर संभवतया बेटा नहीं होता तो एक बड़ी अनहोनी मदार गांव में हो जाती। उसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और दोनों ही महिलाओं को तुरंत उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दोनों की हालत जो है वो पूरी तरह से खतरे से बाहर बताई जा रही है। वन विभाग की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। ग्रामीणों में दो महिलाओं के ऊपर हुए अटैक के बाद एक खौफ का, भय का माहौल है और यहाँ पर भी ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की यहाँ पर मांग जो है वो की है। देखिए, बीते दो दिनों में उदयपुर शहर से सटे हुए बड़ी गांव में और बड़गांव गांव में यहाँ पर पैंथर ने मवेशियों के ऊपर हमला किया था और उन्हें मौत के घाट उतारा, और अब यहाँ पर दो बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर पैंथर ने हमला किया है, जो लगातार जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में चिंताएं जो है वो बढ़ती जा रही है। जी शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए अविनाश।